बस धोखा हो गया सर, अरे धोखा हो गया। इधर हाथ निकले, हाथ निकले, हजार कितना हिल रहा है यार। पेंटिंग करें अरे इधर नहीं मिला। अली यहाँ पे थोड़ा पीछे सामने अंदर घुस के मतलब नहीं है क्या? मैडम हट जाओ। चौक से क्या बना क्या भाई पीछे मत यार। पीछे आओ अभी बहुत
बेस्ट मीडिया मैडम नहीं अरे वो आप तो थोड़ा पीछे रहो नहीं Thank you.
अरे मी बस
बिल्डिंग्स के म्यूरल्स और दीवारों पे पेंट किया हुआ है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो इस वजह से मुझे तब से स्कूल के जमाने से कॉलेज के जमाने से प्रैक्टिस है। एक हिट फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ किल दिल, पूरी जान लगा के हमने कोशिश की है, फिल्म रेडी है, हमने देखी है, हम इससे बहुत खुश हैं, हम उतावले हो रहे हैं कि कब ये निकलेगी, कब लोग देखेंगे, और आई एम श्योर पूरे दिल से बनाई है, एक पूरी पूरी की पूरी तरह से ये एंटरटेनर है, तो आई एम प्रीटी श्योर आई होप I was just telling, मैं अभी रणवीर को बता रही थी that I was really enjoying it. It's quite addictive क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी स्प्रे कैन पकड़ा भी नहीं था एंड आज पहली बार मजा आया। थिंक रात को आधी रात को भी हम लोग आके करने वाले हैं जब सब घर चले जाएंगे आधी रात को। ये सच है कि बिल्कुल परिणीति ने मुझे सब कुछ सिखाया, जो कुछ आज अली को आता है वो सब मैंने सिखाया है, जो कुछ मैं हूँ वो परिणीति की वजह से हूँ। कल को अगर पिक्चर भी हिट होती है हमारी तो परिणीति की वजह से होती है। ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट चीजें करती है, लेकिन अली ने आज तक मुझे फीस पे नहीं की है, ये बहुत बुरी बात है। एक दफा पिक्चर हिट हो जाए तो फिर एक दफा सारी पेमेंट इकट्ठी कर दूंगा कि परिणीति थैंक यू, तुमने मुझे एक्टिंग सिखाई, खाना पकाना सिखाया, सेवैयां बनानी सिखाई, पेंटिंग करनी सिखाई, सब चीजें। बॉलीवुड में रॉक कौन है, वाइल्ड कौन है, डर्टी कौन है? क्रेजी तो ये है, परफेक्ट ये जैसे डर्टी मैं हूँ और बॉलीवुड में डर्टी मैं हूँ, क्रेजी ये है, वाइल्ड ये है, और रॉ कौन है? शाद अली रॉ। हाँ जी, ये अभी अभी उन्होंने छलांग लगाई पैराशूट से, ये जहाज उड़ा रहे थे तो इनको हमने कहा कि आज हमने ग्रेफिटी करने जाना था, हमने कहा ओहो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं यही लाइन में जाता हूँ, प्लेन से छलांग लगा के आए। नहीं नहीं, प्रमोशन आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, हेक्टिक, बट आई एंजॉय इट, आई लर्न टू एंजॉय इट। आते हैं, लोगों से बातें करते हैं अपने काम के बारे में वगैरह, दूसरी चीजों के बारे में, लोगों से मिलने को मिलता है, व्हेन वी गो टू सिटीज, व्हेन वी आर हियर टुडे एंड सो मेनी पीपल हैव कम टू मीट अस, वी एक्चुअली गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स अ नाइस वे टू कनेक्ट टू एवरीबॉडी। ओह माय गॉड, ये बहुत दूर से बहुत से लोग भागते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, और ये 1,000, 2,000, 3,000 लोग बिल्डिंग्स पे चढ़ चुके हैं। आज यहाँ पे बहुत ही हसीन समा है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि लोग बिल्डिंग्स पे चढ़ के ऊपर तक बहुत दूर तक, हेलो हेलो, और ये हेलीकॉप्टर से कुछ शॉट्स लिए जा रहे हैं ऊपर से, ये सैटेलाइट रिकॉर्ड कर रही है सब। आई एम जोया दुलारा, आंखों का तारा, वट एवर आई डू शील नेवर एवर बी अपसेट विद मी, बिकॉज आई एम लाइक हर लिटिल बेबी, शी लव्स मी एंड शील नेवर बी अपसेट विद मी। We want all children also to come and watch the film because they can. This is not an A-rated film and they can come and enjoy themselves. They should not be doing anything else on that day. We've had a lot of fun in the film. जिस तरह हमने यहाँ पे दीवारों पे बच्चों की तरह आज पेंटिंग की है, ग्रफिटी बनाई है, इसी तरह हमने फिल्म में बहुत सी बच्चों वाली चीजें की हैं, बहुत से बच्चों वाले लतीफे हैं, जोक्स हैं, इसलिए फैमिली जो है अपने बच्चों को लेके आए और आपके बच्चों को आपसे ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी और आपको अपना बच्चा और ज्यादा क्यूट लगना शुरू हो जाएगा किल दिल देखने के बाद 14 नवम्बर को। हम अभी तक बच्चे हैं, मेमोरी कैसे हो सकती है, हम अभी तक नानी मुनी बच्चे हैं। मुझे याद है जब मैं 3 साल का था, मुझे एक 1.5 साल की छोटी बच्ची पे क्रश हो गया था, उस वक्त से बहुत बड़ा मैं, लेकिन उसने मुझे कहा कि नो, आई डोंट लाइक यू, तो मेरा बहुत दिल टूटा, तो दिल टूटते टूटते मैंने दीवारों पे तस्वीरें बनानी शुरू की। गर्मी की वजह से हम बहुत पागलों वाली बातें कर रहे हैं। रणवीर आपने नहीं बताया, आप भी बताइए कुछ, आपकी कुछ मेमोरी।
मेरी तो सारी मेमोरीज चाइल्डहुड की सारी स्वीट है। अच्छी तरह गुजरा। आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। आई विश आई कुड गो बैक टू बीइंग अ चाइल्ड। सम पीपल वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम स्टिल अ चाइल्ड। अरे बूम ऊपर ले मेरे भाई। ये मेरा कैरेक्टर जो है किल डेथ में, ही इज लाइक अ चाइल्ड, वेरी स्वीट एंडियरिंग इनोसेंट। उसकी खुद की लाइफ की फिलॉसफी नहीं है, जो भी बड़ा भाई बोलता है वो कर लेता है। लेकिन जब भी इनकी एंट्री होती है मेरी लाइफ में, the love interest Disha, the gorgeous Disha, then he starts maturing a bit, starts forming an opinion, starts coming into his own. So bacche jaisa ladka, it's sort of like a coming of age film for at least my character. Nowadays, the old movies are completing their 20 years, 21 years. So now, from now on, like from 14th of November, how do you 20 years later match your movie? We hope कि Kill Dil जो है ये 14th November 2014 में release हो, लेकिन 14 नवंबर 2024 और 34 में जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएं और कहें कि दादा भू ये आपने किल दिल में आपने काम किया था, और जब मैं कहूँ कि बेटा हाँ किल दिल में मैंने काम किया था, तो दादा भू की रिस्पेक्ट और ज्यादा आ जाएगा। लेकिन एक बात है, जैसे आपने कहा 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ ऐसी फिल्में होती है जो 20 साल बाद भी जब आप देखते हैं वो आपको, मतलब जो टाइमलेस फिल्में होती है, कल्ट फिल्में जिन्हें कहते हैं, तो आई होप किल दिल एक ऐसी फिल्म हो जिसको लोगों का इतना प्यार मिले कि 20-25 साल भी आप उठा के देखो तो आप हंस सकते हो, रो सकते हो, उसका ड्रामा में इन्वॉल्व हो सकते हो। आई होप इट हैज दैट लास्टिंग इफेक्ट ऑन पीपल। वी वांट टू नो लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। एक क्वेश्चन जी, प्लीज यंग लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत आर्टवर्क्स बनाते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इट प्रमोट्स यंग पीपल गेटिंग इन टू आर्ट फॉर्म्स, इट गिव्स देम अ वे टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन अ पॉजिटिव मैनर, एंड इट ब्यूटिफाइज द सिटी ऑल्सो। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव। आई माई सिंसियर थैंक्स टू द BMC फॉर अलाउिंग अस टू कम इन टू दिस ईयर। हम लोग एक चीज जो हम वॉर्न करेंगे किल दिल के बारे में, जो शायद